नमस्ते, मैं रेखा मिश्रा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी डाइट चूड़ा, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। गैस चालू करके मैंने उसमें नमक डाल दिया है। 100 ग्राम तक करीबन हमारा नमक है। जैसे ही हमारा नमक गरम गरम होगा, गैस मैंने फास्ट ही रखा है, अब मैं उसी में डालूंगी पोहा। थोड़ा थोड़ा पोहा करके मैं इसे भूनूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये डाइट चूड़ा। हमारा पोहा भून गया है, अब मैं लूंगी एक चालन, लूंगी कम, और नीचे एक थाली रखी हूँ। अब इसी में मैं इसे डायरेक्ट गिराऊंगी और इसे चालूंगी। ऐसे ही मैं सारे पोहे को मैं अपने भूनूंगी। सारे पोहे को मैंने भून लिया है, ये देखिए बहुत कुरकुरा हुआ है। अब मैं आगे की सामग्री अपना भूनूंगी। भुना हुआ मैंने रेडीमेड लाया था, फिर भी इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर लूंगी तो चना दाल ताजा हो जाएगा। फिर से मैं वही नमक डालूंगी और गैस को करूंगी फिर से फास्ट, और मैं डालूंगी इसमें मूंगफली के दाने। अब मैं इसमें भूनूंगी 2 मिनट ये नारियल, इसे भी मैंने भून लिया है। 2 मिनट इसे भी लगाए भूनने में। फिर से अब मैं इसी में भूनूंगी कड़ी पत्ता। हमारी सारी सामग्री भून के हो गई है, कड़ी पत्ता भी मैंने सारी सामग्री भून ली है। नारियल, चने की दाल, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता किस तरह से देखिए कुरकुरापन हो गया है और कलर वैसा का वैसा है। और मूंगफली के दाने मैंने अलग से रखा था, इसका ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल लिया है। मूंगफली अच्छा ही है सर। अब मैं गैस पे रखूंगी तड़का देने वाली कटोरी, उसमें डालूंगी 1 चम्मच घी। घी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और स्वाद भी दोगुना कर देता है। घर का बनाया हमारा देसी घी है घर का। अगर आपको घी बनाना सीखना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं घर पे घी कैसे बनाते हैं बड़ी ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। गैस को करूंगी कम और उसमें जो मैंने हरी मिर्च काटी थी इसे मैं इसमें डालूंगी। जब तक मिर्च हमारी नहीं होगी तब तक मैं भूनूंगी थोड़ा। गैस एकदम धीमा है हमारा, गैस हमने बंद कर दिया है और मिर्च भी हमारी पक गई है। अब मैं इस डाइट चिवड़ा में इस देसी घी और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी। बहुत ही टेस्टी होता है ये डाइट चिवड़ा। इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स कर लिया है हमने सब। अब मैं इसे सर्व करूंगी। अब इसे आप एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए। महीनों तक इसे जब मन कहे तब आप डाइट चूड़ा खाइए। और सर्व कर लिया मैंने, आप भी इस दिवाली पे बनाइए, मेहमानों का स्वागत कीजिए, कुछ हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बनाइए, खाइए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।